हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इंस्ट्रक्शंस पढ़ा दिए थे पीएलसी निस्काडा के, तो पीएलसी के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। लैचेज, काउंटर्स और हमारा क्या था, एक और था लैचेज और काउंटर्स, और एक और था हमारा क्या था, टाइमर था, सॉरी टाइमर था। तो इस तरह से हमारे इंस्ट्रक्शंस तो हो गए थे और पीएलसी एंड निस्काडा में। अब हम आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट, क्या पढ़ाएंगे आपको, लॉजिक फंक्शंस पढ़ाएंगे कि कौन कौन से पीएलसी में हमारे लॉजिक फंक्शंस यूज होते हैं। तो देखिए, हमारे लॉजिक फंक्शंस हमारे होते हैं 6 टाइप के यूज होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं हम लोग, वन बाई वन करके सारे डिस्कस करके अच्छे से पढ़ेंगे। और आई होप कि आपकी स्टडी तो चल ही रही होगी, तो इस तरह से मैं भी आपके साथ बनी रहूँगी कंटिन्यू। बस पढ़ते जाइए, नोट्स अच्छे से बनाते जाइए। देखिए, लॉजिक फंक्शन, आप हेडिंग डालिए लॉजिक फंक्शन। लॉजिक फंक्शन आप हेडिंग डालेंगे, लॉजिक फंक्शन में आपको वन वाई करके, वन वाई वन करके आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। देखिए, वन लॉजिक फंक्शन क्या यूज होता है हमारा, फर्स्ट हमारा होता है एंड गेट। ठीक है, जितने भी गेट होते हैं वो सारे लॉजिक फंक्शन हमारे इसमें यूज होते हैं। यानी कि आपको जैसा आउटपुट पीएलसी में चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पीएलसी में गेट लगा देते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि जैसे आपको आउटपुट जो भी चाहिए, आउटपुट गेट उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें लगा देंगे पीएलसी में। ठीक है, तो इसलिए गेट्स का भी हम लॉजिक फंक्शंस ये भी हमारे यूज होते हैं पीएलसी में। तो हमारे 6 टाइप के गेट होते हैं, वो सारे के सारे आप यूज पीएलसी में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एंड गेट जो हमारा होता है वो कैसे यूज होता है। देखिए, मैंने आपको लैडर डायग्राम बनाना सिखाया था पिछले वीडियो में, तो देखिए इसका लैडर डायग्राम एंड गेट का हम कैसे बनाते हैं। ये इसका लैडर डायग्राम होता है, ओके ये मान लिया हमारा आउटपुट है। आउटपुट आप लैंप भी ले सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, मोटर हो सकता है, जनरेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये हमारे स्विचेस हैं जो हमारे क्या है, नॉर्मली क्या है, ओपन है। ठीक है, देखिए इससे पहले एक चीज और जान लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ आपको। ये जो होता है सिंबल, ये नॉर्मली ओपन स्विच, ओके, और ये जो हमारा स्विच होता है ये होता हमारा नॉर्मली क्लोज स्विच, ओके। तो ये आपको दो सिंबल याद रखने हैं, और पावर लाइंस का तो मैंने आपको बता ही दिया था, बट आगे मैं और भी सिंबल आपको लिखवाऊंगी इस पीएलसी में, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सिंबल से वो सारे एक वीडियो में आपको बना के दूंगी अच्छे से। तो इतना अभी जानिए आप ये दो सिंबल के बारे में, ये क्या हमारा नॉर्मली ओपन स्विच है। ठीक है, ये हमने स्विच ए मान लिया है, ये हमारा बी स्विच है। तो देखिए इसकी ट्रुथ टेबल आप कैसे बनाएंगे, ट्रुथ टेबल हम बना लेते हैं इसकी ऐसे। देखिए कैसे बनाते हैं, मान लिया कि हमारा ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, ये बाई आउटपुट है। ठीक है, ये हमारे क्या है, ए भी हमारे इनपुट हैं, ए भी हमारे इनपुट हैं, और बाई क्या है हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो इस तरह से हमें आउटपुट कैसे फाइंड होगा देख लेते हैं। जब आपका इनपुट, देखिए हमारी चार स्टेज होती हैं, चार स्टेज हमारी कौन कौन सी होती हैं, जीरो जीरो, जीरो वन होता है, वन जीरो होता है, और वन वन होता है। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट में पढ़ा होगा डिप्लोमा में, ये हमारी चार स्टेज होती हैं, इन्हीं से हम क्या करते हैं, आउटपुट फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको आउटपुट कैसे मिलेगा, जब आप ए यानी कि स्विच ए क्या है, जीरो जीरो है, यानी कि आपने क्लोज दोनों ही स्विच क्लोज नहीं किए हैं, यानी कि दोनों ही स्विच क्या है नॉर्मली ओपन है, तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि लैंप ग्लो नहीं कर रहा है, तो यहां पर क्या मिलेगा, जीरो ही आपको फाइंड होगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब आपने स्विच ए ओपन रहने दिया और बी
क्लोज कर दिया, मान लिया ए ओपन है यानी कि कुछ भी अप्लाई नहीं किया, और बी क्लोज कर दिया, तो भी आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब ये क्लोज हो जाएगा, मान लिया ये क्लोज हो गया, तो इधर से सप्लाई तो जाएगी ही नहीं, तो कैसे ये लैंप ग्लो कर जाएगा, इसलिए हमारा क्या होगा, लैंप ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, जब आप मान लिया ए को क्लोज कर दे रहे हैं, ए को आपने क्लोज कर दिया और बी को आपने ओपन कर दिया, तो क्या हुआ, इधर से सप्लाई तो यहीं तक गई, इतने ही सर्किट में, आगे तो गई नहीं सप्लाई, तो आपका लैंप ग्लो नहीं करेगा, यानी यहाँ पे भी जीरो मिलेगा, ठीक है। ए की वैल्यू वन कर दी, बी की जीरो कर दी, फिर भी आपको क्या मिला, जीरो आउटपुट मिला, लैंप ग्लो आपका नहीं किया, ठीक है। इस तरह से आपने जब दोनों ही स्विच क्लोज कर दिए, यानी कि दोनों ही स्विच आपने क्लोज का सिंबल ऐसे भी बनाते हैं, इनको इससे कनेक्ट कर देते हैं, ओके। नॉर्मली क्लोज का स्विच क्या है, इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली जब आपने क्लोज कर दिए दोनों, तब क्या मिलेगा आपको, यानी कि लैंप ग्लो करने लगेगा, सप्लाई सर्किट में आगे तक जाने लगेगी लैंप तक, तो लैंप ग्लो करेगा, यानी कि यहाँ पर हमारा वन फाइंड होगा। इस तरह से हम चारों कंडीशन में जो हमें ट्रुथ टेबल फाइंड होती है, इसके अकॉर्डिंग ये ट्रुथ टेबल किसकी है, एंड गेट की है, ये ट्रुथ टेबल हमारी किसकी है, एंड गेट की है। इसीलिए क्या करते हैं हम, इस जो लैडर डायग्राम को बनाते हैं, इसको हम एंड लैडर डायग्राम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एंड गेट लैडर डायग्राम, ओके। ये हमारा क्या बन गया, एंड गेट लैडर डायग्राम। इस तरह से हम क्या करते हैं पीएलसी में, मान लिया आपको दोनों ही इनपुट और आउटपुट दोनों ही हाई हो गए, दोनों ही स्विच आपने क्लोज कर दिए, और तब आपको क्या, लैंप आपका ग्लो कर रहा है, तो वहां पर आपने क्या लगा रखा होगा, यानी कि एंड गेट आपने लगा रखा होगा। ये हमारा क्या होता है पीएलसी में, एंड और गेट और नॉर गेट, ये सारे लगाने का तरीका होता है, जैसा आपको आउटपुट चाहिए एक उसके अकॉर्डिंग आप क्या लगाते हैं, नॉर्मली हमारा गेट यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इतना हमें फाइंड हुआ। अब देखिए इसका आउटपुट हमें क्या हुआ, y बराबर a डॉट b से निकालते हैं, ठीक है, यानी कि a एंड b, ठीक है। यानी कि क्या करते हैं, जीरो और जीरो का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जीरो और वन का करेंगे फिर भी आपको जीरो मिलेगा, वन इंटू जीरो का करेंगे फिर भी आपको जीरो ही मिलेगा डियर फ्रेंड्स, और वन इंटू वन का करेंगे तभी आपको वन मिलेगा। यानी कि इस वाले फंक्शन से भी आप वैल्यू को फाइंड करते हैं, कौन सी वैल्यू को, इस वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, और देखिए आपको एंड गेट का सिंबल तो पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, सिंबल भी बना लीजिए सिंबल, क्योंकि इसमें इससे इसमें भी आने के चांसेस हैं, और सिंबल किस में आने के चांसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी बन सकता है सिंबल का क्वेश्चन, इसीलिए सिंबल का भी आप बना लीजिए। सिंबल क्या होता है, देखिए टू इनपुट्स होते हैं, वन आउटपुट होता है, ये सिंबल है किसका, एंड गेट का, ठीक है। इस तरह से हमने एंड गेट आपको पढ़ाया है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं और गेट। और गेट हमारा कैसा होता है, देखिए ये मैं आपको और गेट पढ़ाऊंगी। अब और गेट में आप सॉरी इसको नहीं मिटाना था, ट्रुथ टेबल तो बनानी पड़ेगी इसमें भी, तो इसको ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। ट्रुथ टेबल तो यही बनेगी लेकिन आउटपुट चेंज हो जाएगा, इसका आउटपुट चेंज होगा, देखिए किस तरह से चेंज होगा, आपको बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इस तरह से देखिए हमें अब और गेट का फंक्शन कैसे फाइंड होता है, अभी आपको बताती हूँ अच्छे से।
देखिए इसमें सिर्फ क्या हो जाता है, ये जो हमारा एक स्विच है ये क्या होता है, बी स्विच हमारा पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, कहाँ पर, सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा ए स्विच है, ये हमारा बी स्विच है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको समझना है, क्या समझना है, जो हमारा और गेट है उसका सिंबल भी लिख लीजिए। और गेट का सिंबल क्या होता है, देखिए उसका सिंबल हमने कैसा बताया था, ऐसा बताया था, और इसका सिंबल कैसा बनता है, इसका सिंबल थोड़ा सा इस टाइप से बनता है। ये हमारा होता है और गेट, यहाँ पर टू इनपुट्स होते हैं, वन आउटपुट होता है, और ये हमारा सिंबल बन गया, ट्रुथ टेबल वो है, और इसका लॉजिक फंक्शन, इसका फंक्शन क्या आता है निकल के, जो हमारा फंक्शन आता है वो y बराबर a प्लस बी रहता है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको लैडर डायग्राम से ही ट्रुथ टेबल बनाना सिखा रही हूँ, फिर से हम बनाएंगे और गेट की, किस तरह से बनाएंगे। मान लिया ए स्विच नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मली क्या है, ओपन है, अभी मैंने ऊपर लिखा भी है नॉर्मली ओपन, तो इसके भी हम स्विचेस जो हैं वो नॉर्मली ओपन लेते हैं, और नॉर्मली ओपन स्विच है तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे आप, या तो ए को क्लोज करेंगे और बी को ओपन करेंगे, या बी को क्लोज करेंगे ए को ओपन करेंगे, या फिर दोनों को ही क्लोज कर देंगे, या फिर दोनों को ओपन कर देंगे। ये चार कंडीशन बन सकती हैं इसके अकॉर्डिंग, यानी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए, मान लिया आपने ए स्विच क्लोज किया, ठीक है, आपने ए स्विच क्लोज किया और बी ओपन रहने दिया, तो क्या होगा, पावर सप्लाई तो मिलेगी लैंप को। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी यही तो पावर लाइन है, मैंने आपको बताया लैडर डायग्राम में, यही तो हमारी पावर लाइन है, यहीं से तो सप्लाई दे रहे हैं हम, तो यहाँ से सप्लाई मिल रही है, यानी कि लैंप ग्लो कर रहा है, और लैंप जब ग्लो कर रहा है तो आउटपुट फाइंड यानी कि हो रहा है, ठीक है। तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे तो 0 ही मिल जाएगा, यहाँ पर 1 मिलेगा आपको आउटपुट। एक स्विच आपने क्या किया है, ए वाला क्लोज किया है, तो अभी ए वाला समझाया है, तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। अब देखिए, मान लिया आपने बी क्लोज किया है और ए ओपन रहने दिया है, इस कंडीशन को समझा रही हूँ, आपने ए क्या किया, ओपन रहने दिया, बी को क्लोज कर दिया, यानी कि 1 का मतलब क्या होता है, क्लोज स्विच, यानी कि आउटपुट वो इनपुट जो है अप्लाई करना, ठीक है। तो 1 आपने अप्लाई कर दिया, यानी कि स्विच को क्लोज कर दिया, यानी कि स्विच क्या हो गया आपका, नॉर्मली क्लोज हो गया, और नॉर्मली क्लोज होने की वजह से पावर सप्लाई लाइन से बी स्विचेस से होते हुए क्या होगी, सप्लाई क्या होगी, ऑन हो जाएगी। सप्लाई ऑन होने की वजह से लैंप ग्लो कर जाएगा, और लैंप ग्लो करने की वजह से आपको आउटपुट यानी कि फाइंड हो गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखिए, आपने दोनों ही स्विच क्लोज कर दिए, फोर्थ कंडीशन पे आते हैं हम, दोनों ही स्विच क्लोज कर दिए नॉर्मल, तब भी सप्लाई आपको क्या होगी, मिलेगी, ठीक है, यानी कि 1 मिलेगा। तो ये जो ट्रुथ टेबल है हमारी किस में आती है, ये हमारी और गेट की ट्रुथ टेबल है। और गेट की ट्रुथ टेबल कैसे पता चली, और गेट का हमारा क्या होता है, बाई बराबर ए प्लस बी, यानी कि ए और बी, इसको और बोलते हैं, ठीक है, प्लस नहीं बोलते हैं, ए और बी, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। तो जो हमारा बाई बराबर ए और बी है, इसी से हम इस वैल्यू को रख के फाइंड कर लेते हैं। देखिए, मान लिया ए 0 है, ये भी 0 है, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मान लिया ए 0 है, बी 1 है, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और जब ए 1 है और प्लस क्या है ये, और ये क्या है, 0 है, फिर भी 1 मिलेगा। और ये अगर 1 है और ये भी 1 है, तो क्या होगा, 1 0। यही तरीका है और करने का, 1 0 फाइंड होता है, यानी कि 1 क्या हो जाता है, कैरी हो जाता है हमारा, ये क्या हो जाता है, कैरी हो जाता है, और 0 क्या हो जाता है हमारा, 0 हमारा सम आता है, तो सम हम 0 लेते हैं, यानी कि हमारी जो वैल्यू हमें 1 1 1 0, यानी कि कैरी जो 1 होता है वही लेते हैं हम, सॉरी यहाँ पर उल्टा बोल गए हम, तो 1 होता है वो कैरी, वही हम लेते हैं। इस तरह से हमें 1 0 0 0 1 1 1, ये हमें ट्रुथ टेबल फाइंड हो गई आउटपुट की। और ये किसकी है, ये किसकी है, इस हमने बूलियन फंक्शन से निकाल लिया, और बूलियन फंक्शन से हमने ये फाइंड कर लिया, ये ट्रुथ टेबल किसकी है, और गेट की है, क्योंकि हमने और गेट का बूलियन फंक्शन में रख के वैल्यू देखी है, तो हमारी वैल्यू ये हमें फाइंड
हुई है। इस तरह से हमने क्या लगा दिया, पीएलसी में और गेट लगा दिया। ठीक है, क्यों लगा दिया, क्योंकि हमें फंक्शन आउटपुट ये चाहिए था, आउटपुट हमें ये चाहिए था, इसलिए हमने क्या लगा दिया, और गेट लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये लैडर डायग्राम, अगर वहाँ पर देखिए कुछ भी दे सकता है। इस बार यूपीपीसीएल जेई में इस तरह से ये बना था बस। ठीक है, अब ये बना था, पूछा था ये क्या है, बताइए, पूछा था कि ये क्या है, उसमें ऑप्शन दिए थे। अभी आपको बताती हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा दूँ, ऑप्शन क्या क्या दिए थे। ठीक है, ऑप्शन दिए थे, लैडर है, ठीक है, लैडर है, या गेट है, या सप्लाई है, या एक ऑप्शन और था, मुझे याद नहीं रहा, बट ये तीन ऑप्शन याद है मुझे। उसमें आपको क्या लगाना था, लैडर, लैडर डायग्राम दिया था हमारा, ये लैडर है, ये लैडर ही मेथड है लिखने का। मेथड बताए थे मैंने आपको, मेथड होते हैं लिखने के, जो प्रोग्राम करने के, लैडर, लैडर प्रोग्राम भी करते हैं हम, वो ये लैडर, लैडर मेथड है प्रोग्राम करने का। यानी कि हम इस लैडर डायग्राम से ही सारा पीएलसी एंड स्काडा समझते हैं। ठीक है, पीएलसी में हमारा सारा जो भी डायग्राम बन के आएगा उसको आप समझने के लिए यही डायग्राम आपको वहाँ मिलेगा, जो कि क्या होता है, जीरो और वन बाइनरी डिजिट पे वर्क करता है। और कहाँ से कहाँ तक, जीरो से मैंने आपको 16 तक बताया था बिट आप उसमें काउंट कर सकते हैं, जीरो से 16 बिट तक आप यूज करते हैं पीएलसी में। तो मैंने इतनी चीज़ें आपको बता दी थी प्रीवियस वीडियो में, और आई होप कि आपको ये कंप्लीट हुआ होगा, ये आप अच्छे से लिख लीजिए नोट्स में। और जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट अगर बोल देती हूँ बट यहाँ पर नहीं लिखवाती हूँ, तो प्लीज़ कहीं साइड में, कहीं कॉर्नर में उन पॉइंट्स को ज़रूर नोट कीजिए, क्योंकि जो कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट मैं यहाँ पर नहीं लिखती हूँ, तो आप उनको नोट करिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, और गेट भी हो गया। नेक्स्ट आपको मैं समझाती हूँ, देखिए एंड और क्या होगा, अब हमारा नॉट गेट होगा। ठीक है, हम नॉट गेट को आपको समझाने जा रहे हैं। तो हमारा जो नॉट गेट होता है वो देखिए हम कैसे, इसका लैडर डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो इसका लैडर डायग्राम बहुत सिंपल होता है और इसकी ट्रुथ टेबल भी बहुत ही सिंपल होती है। कैसे होती है देखिए, क्योंकि नॉट गेट ही बहुत सिंपल होता है, क्या मिलता है उसका, कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं यानी कि बार लगा देते हैं, ठीक है, यानी कि अपोजिट कर देते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं। बस क्या रहता है देखिए, अभी आपको एक मिनट में समझ में आएगा। ये तो होता है हमारा नॉट गेट का सिंबल, ठीक है, ये तो हमारा होता है नॉट गेट का सिंबल। और ट्रुथ टेबल, लैडर डायग्राम कैसे बनाते हैं इसका, लैडर डायग्राम बहुत सिंपल है। कैसे है देखिए, ये पावर सप्लाई लाइन है, यहां पर एक स्विच लगाएंगे, सॉरी यहां पर स्विच लगाएंगे और यहां पर आउटपुट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा आउटपुट मिलेगा, यानी कि यहां लैंप मान लिया, ये हमारा स्विच ए है। अब देखिए ट्रुथ टेबल कैसी बनाएंगे, ट्रुथ टेबल आपको कैसे फाइंड होगी, ये बाई है, ये ए है, दो ही कंडीशन है इसमें, एक स्विच है और वाई हमारा आउटपुट है यानी लैंप है। अब क्या कर सकते हैं, या तो इसको क्लोज कर सकते हैं या इसको ओपन कर सकते हैं, बट ये नॉर्मली क्या मानना पड़ता है, ये याद रखने वाली चीज है पीएलसी में बस। और आपको नॉर्मली गेट तो सभी को पता है, ज़्यादातर हम लोग गेट तो पढ़ते ही हैं डिप्लोमा में,
बट क्या है, हमें नॉर्मली ओपन है या क्लोज है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेज लेना है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया नॉर्मली इसमें क्या रहता है, हमारा क्लोज रहता है, ठीक है। नॉर्मली क्या रहता है, ये क्लोज रहता है, यहाँ पे लिख लीजिए नॉर्मली क्लोज, ओके। नॉर्मली क्लोज स्विच है हमारा, तो नॉर्मली जब ये क्लोज है तो नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, नेक्स्ट कंडीशन इसको ओपन करेंगे आप, जब क्लोज है तो ओपन ही करेंगे ना, नेक्स्ट और तो कुछ कर नहीं सकते। तो जब ये ओपन कर देंगे यानी कि जीरो होगा, तो क्या मिला आपको, जब ये ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि वन मिल जाएगा। जब ये जीरो है यानी कि ये नॉर्मली कंडीशन क्या है, आपने कुछ अप्लाई नहीं किया, जीरो है, कुछ अप्लाई नहीं किया, वो तो नॉर्मली क्लोज था। जब नॉर्मली क्लोज था तो आपको क्या मिला, वन मिला, क्योंकि सप्लाई इधर से जा रही है, लैंप ग्लो कर रहा है, समझ में आया। और जब बंद देंगे तब क्या हो जाएगा, लैंप ग्लो करना बंद कर देगा, यानी कि कोई यहाँ पर आपको आउटपुट फाइंड नहीं होगा। कैसे, समझ में आया ना डियर फ्रेंड्स, कैसे, नॉर्मली क्या है, क्लोज है। अब नॉर्मली जब क्लोज है तो नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, नॉर्मली क्लोज है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, कोई आपने इनपुट अप्लाई नहीं किया, ठीक है, तो क्या हुआ, वो तो नॉर्मली क्लोज ही था। अब आपने कोई कुछ नहीं दिया, जीरो दिया यहाँ पे, तो यहाँ जीरो का मतलब क्या है, कुछ नहीं किया है, ये क्लोज है, तो क्या हुआ, लैंप ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब क्या किया आपने, वन अप्लाई कर दिया यहाँ पे, यानी कि ये ओपन कर दिया, ये हटा दिया, ओपन कर दिया, अब क्या हुआ, सप्लाई जाएगी ही नहीं, कॉन्टैक्टर कनेक्ट ही नहीं होंगे स्विच के, तो क्या होगा, लैंप ग्लो करना बंद कर देगा, यानी कि आउटपुट फाइंड आपको नहीं होगा। इस तरह से आप क्या बनाएंगे, नॉट गेट की क्या बनाएंगे, नॉट गेट लॉजिक फंक्शन की आप ट्रुथ टेबल भी फाइंड कर लेंगे और लैडर डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आपको जहां पर आउटपुट इस तरह का फाइंड करना है वहां पर आप क्या लगाएंगे, नॉट गेट लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है लॉजिक फंक्शन, हमारा नैंड गेट, ठीक है, नैंड गेट को भी समझ लेते हैं। तो नैंड गेट हमारा है, आज हम सारे लॉजिक फंक्शन खत्म करेंगे, सिक्स टाइप के सारे आपको, ये हमारा फोर्थ टाइप चल रहा है, आप डाल लेना टाइप अपने अकॉर्डिंग, ये हमारा नैंड, नैंड गेट का आपको सिंबल भी बनवाऊंगी अच्छे से। नॉट गेट लगा दो और आगे एंड गेट लगा दो, सॉरी आगे एंड गेट लगा दो, यहीं पे आगे एंड गेट लगा दो और आगे नॉट गेट लगा दो, इसके आगे नॉट गेट लगा दो, तो ये क्या मिलेगा हमें, नैंड गेट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का ये सिंबल होता है। अब देखिए अगर इसी को मॉडिफाई करके सिंबल कैसा बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं आप, ये बबल लगा देते हैं यहाँ, ये सिंबल भी बना सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए और, ठीक है, ये सिंबल भी आप बना सकते हैं। अब देखिए इसका लैडर डायग्राम कैसे बनाएंगे आप, नैंड गेट का, नैंड गेट का लैडर डायग्राम थोड़ा सा जैसे मैंने आपको और गेट का बताया वैसे ही है, बट क्या करना है आपको, नॉर्मली क्लोज स्विच लेना है, क्या करना है देखिए, थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, देखिए ये स्विच लेना है, दो दोनों ही पैरेलल में रहते हैं, यहाँ आउटपुट मिलता है, बट क्या होता है ये हमारे नॉर्मली क्लोज रहते हैं, नॉर्मली क्लोज, ओके, ये हमारे क्या रहते हैं, नॉर्मली क्लोज स्विच रहते हैं और आउटपुट हमें यहाँ पर फाइंड होता है। अब देखिए ट्रुथ टेबल आपको बनवा रही हूँ, ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, पहले लैडर डायग्राम बनाते हैं फिर आप ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो लैडर डायग्राम इसका क्या बनेगा, लैडर डायग्राम को पहले बनाते हैं आपके लिए, ये बन गया है, अब ट्रुथ टेबल बनाएंगे,
अब ट्रुथ टेबल आप लैडर डायग्राम की हेल्प से बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, ठीक है, 0001 1011, ठीक है, ये हमारी चार स्टेज हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, ये हमारा क्या है, नॉर्मली क्या है, क्लोज है। जब ये नॉर्मली क्लोज स्विच है तो नेक्स्ट कंडीशन में आप क्या किया, आपने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, 0 0, जब आपने कुछ किया ही नहीं, यानी कि वो तो नॉर्मली क्लोज ही थे, और जब नॉर्मली क्लोज थे तो आपने यानी वहाँ पर कोई वर्क नहीं किया, 0 0 इनपुट, 0 0 इनपुट यानी कि लैंप ग्लो कर रहा है, सप्लाई यहाँ से जा रही है, कॉन्टिन्यू लैंप को सप्लाई मिल रही है। कैसे मिल रही है, दो पाथ हैं, देखिए यानी कि लैंप ग्लो कर रहा है, अब लैंप ग्लो कर रहा है यानी कि आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टेज क्या बनेगी, आपने मान लिया ये नॉर्मली ये हमारा क्या था, क्लोज था, अब आपने यहाँ पर कुछ नहीं किया, नॉर्मली क्लोज ही रहने दिया, ए नॉर्मली क्या था, क्लोज था, इस कंडीशन को समझा रही हूँ आपको, ये जीरो था यानी क्लोज है, क्लोज ही रहने दिया, ए को क्या कर दिया आपने, ओपन कर दिया, ए को ओपन कर दिया, फिर भी यहाँ ये वाला पाथ तो मिल ही रहा है ना, ये क्लोज है तो लैंप ग्लो कर रहा है यानी कि यहाँ भी वन मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये क्लोज ही बना रहेगा तो ये भी हमारा ग्लो करेगा यानी कि वन मिल जाएगा। ये हमारी ट्रुथ टेबल हमें फाइंड होगी, और यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि जब आप दोनों ही ऑन कर देंगे यानी कि जब वन वन अप्लाई कर देंगे यानी कि क्लोज थे उनको ऑन कर दिया, स्विचेस को ऑन कर दिया, यानी कि स्विच हमारा क्लोज था यानी कि सप्लाई जा रही थी, बट आपने क्या किया, स्विच को ओपन कर दिया, स्विच को ओपन कर दिया यानी कि कॉन्टैक्टर को हटा दिया दूर दूर, लैंप में सप्लाई जा ही नहीं रही है तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पर क्या मिलेगा, जीरो मिला। इस कंडीशन में हमें क्या मिला, जीरो मिला, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये ट्रुथ टेबल फाइंड हुई, इस तरह से आपने क्या लगा दिया, नैंड गेट लगा दिया। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा गेट है नॉर गेट और एग्जॉर गेट, दोनों को और पढ़ लेते हैं, उसके बाद बस इतना ही पढ़ाएंगे आज के लिए, लॉजिक फंक्शन ही पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा नॉर गेट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। नॉर गेट का सिंबल बनाएंगे, नॉर गेट का सिंबल क्या होता है, देखिए आप और गेट को यहां लगा दीजिए और नॉट को आगे लगा दीजिए, ये क्या बन गया, नॉर बन गया, ठीक है। या फिर ऐसा भी बना सकते हैं बबल लगा के, ये हमें आउटपुट मिला, ये इनपुट है, ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं, यहाँ और लिख लीजिए, ये सिंबल बन गया, ठीक है। लैडर डायग्राम आपको बताती हूँ, बहुत इजी है इसका लैडर डायग्राम कैसा है, देखिए ये हमने स्विच लिए हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो स्विच होते हैं, बस इतना फर्क है, सीरीज में दो स्विच कनेक्ट रहते हैं और दोनों ही क्या होते हैं नॉर्मली नॉर्मली क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ओके नॉर्मली क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। जब ये नॉर्मली क्लोज हैं, अब आप देखेंगे जब ये नॉर्मली क्लोज हैं तभी सप्लाई जाएगी, ठीक है, यानी कि नॉर्मली जब दोनों ही क्लोज हैं तभी वन मिलेगा, बाकी सब कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा जीरो, यहाँ पर जब आप कुछ अप्लाई करेंगे तो स्विच क्या, कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, यानी सप्लाई इधर से जाएगी ही नहीं, अब इसको हटा देंगे तो यहीं तक सप्लाई जाएगी, लैंप में जा ही नहीं रही है, या इसको हटा देंगे तो इसमें सप्लाई ही नहीं जा रही है तो क्या ग्लो करेगा, यानी कि एक ही कंडीशन में वन फाइंड होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा नॉर गेट भी हो गया। उसके बाद हम
कुछ छूटा तो नहीं, लैडर डायग्राम, ट्रुथ टेबल और सिंबल, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम एग्स और गेट, ठीक है। एग्स और गेट को कैसे देखिए समझते हैं, एग्स और गेट का भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर ज्यादा नहीं। पहले तो आपको एग्स और गेट का सिंबल बनाती हूं, उसके बाद आपको लैडर डायग्राम, उसके बाद आपको ट्रुथ टेबल, सारा कुछ बनाना बता दिया है। आई होप कि आप भूलेंगे नहीं। तो एग्स और गेट का सिंबल क्या होता है, ये होता है एग्स और गेट का सिंबल, ठीक है। बस ये आपको इतना सिंबल याद रखना है, ठीक है। अब देखिए बूलियन फंक्शन क्या होता है इसका, ए और बी एंड बी और सी, ठीक है। इस तरह का ये आउटपुट निकालने का बूलियन फंक्शन है। उसके बाद लैडर डायग्राम, लैडर डायग्राम देखिए कैसा होता है इसका, दो स्विच रहते हैं, बट दोनों ही चार स्विच रहते हैं, ऐसे बनाएंगे इसको, चार स्विचेज रहते हैं हमारे, चारों ही पैरेलली कनेक्ट होते हैं। यहाँ आउटपुट मिलता है, ये पावर सप्लाई लाइन्स है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो नॉर्मली देखिए कौन कौन सा स्विच इसमें रहता है क्लोज, बी एंड सी, ये नॉर्मली क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो जब ये नॉर्मली क्लोज होंगे क्या होगा, सप्लाई यानी कि जा रही है, ये पाथ मिल जाएगा ना, यहाँ से सप्लाई आई, इसमें आई, इसमें से इसमें आई, यहाँ से यहाँ आई, इसमें से इसमें आई, लैंप में चली गई, ठीक है। इस तरह से लैंप ग्लो कर जाएगा। आप ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, ट्रुथ टेबल देखिए आपने क्या किया, आपने क्या किया, इस पूरे को एक ए मान लिया, ए डैश मान लिया, इस पूरे को बी डैश मान लिया, ठीक है। इस तरह से हम बाई निकाल ले रहे हैं, थोड़ा सा अब वो चार वैल्यू वाला निकल के आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आ जाएगा, आएगा वो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छे से पढ़ाऊंगी तब समझाए समझ में आएगा आपको। तो इस तरह से देखिए कहाँ पर हमें आउटपुट फाइंड होता है, जब दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ये नॉर्मली हमारे क्या हैं, क्लोज हैं। अब जब दोनों ही यानी कि इस सर्किट का भी, इस सर्किट के स्विचेज और इस सर्किट के स्विचेज सारे क्या हो जाएं, कॉन्टैक्टर दूर दूर हो जाए, यानी कि कुछ भी ना रहे, तब क्या होगा, हमें जीरो मिलेगा। यानी कि जीरो जीरो जब होता है तब क्या मिलता है, हमें जीरो मिलता है। और जब जीरो वन होता है यानी कि इसमें कुछ नहीं किया और इसमें आपने इसको हटा दिया कॉन्टैक्ट को, यानी कि इसमें वन अप्लाई कर दिया, यानी इसको हटा दिया और इसको क्लोज कर दिया, तो क्या मिलेगा, वन मिलेगा। अब जब इसको क्लोज कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे, इसको इसको ओपन कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे, तब भी आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। और जब वन वन कर देंगे यानी कि इसको ओपन कर दिया, इसको भी ओपन कर दिया, इसको भी ओपन कर दिया, क्या होगा, सप्लाई नहीं जाएगी, यानी कि हमें क्या मिलेगा, जीरो। वन वन करेंगे तब भी वन मिलेगा, जब इसको ओपन कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे नेक्स्ट कंडीशन, फिर भी ये क्लोज मिलेंगे दोनों, तो भी हमें आउटपुट फाइंड होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे मैंने वो जो फंक्शन है वो लॉजिक फंक्शन बता दिए हैं, और सारे लॉजिक फंक्शन का आप बार बार रिवीजन करिए ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए सारी पिक्चर, और रिकॉल करते रहिए। और आज के वीडियो में डियर फ्रेंड्स इतना ही, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा मेरे चैनल पर। और अगर आपको मेरे वीडियो थोड़े हेल्पफुल लगते हैं डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक वाइक मार दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करिए ताकि कुछ ना कुछ उन्हें भी नया सीखने को मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।